हेलो दोस्तों, तो इस वीकेंड प्राइम प्ले की ऐप पे रिलीज़ हुई है पहरेदार सीज़न 3। क्योंकि सीज़न 1 और सीज़न 2 जो है वो काफ़ी हिट हुए थे, तो इसलिए सीज़न 3 को भी लेके आया गया है। और अगर आपने सीज़न 1 और सीज़न 2 का रिव्यू या एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है, तो आपको वो हमारे चैनल पे इनका रिव्यू और एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। सीज़न 3 की अगर हम कास्ट की बात करें, तो सीज़न 1 और 2 की तरह शनाया खत्री को सीरीज़ में कास्ट किया गया है। साथ में जयश्री गायकवाड़ भी सीरीज़ में है, और एक और एक्ट्रेस भी है जिनका नाम अभी तो फ़िलहाल दिखाया नहीं गया है, ना तो सीरीज़ में और ना ही किसी और प्लेटफॉर्म पे। तो जैसे ही हमें तीसरी एक्ट्रेस का नाम पता चलेगा, हम आपको अपडेट कर देंगे। वहीं अगर हम सीरीज़ की स्टोरी की बात करें, तो सीरीज़ की स्टोरी में रेखा और उसके बाबूजी को हम देखते हैं, और यहाँ एंट्री होती है छोटे बेटे बंटी की, जो कि कुछ साल पहले घर से चला गया था और अब वो अपनी वाइफ शीतल के साथ आया है। लेकिन यहाँ बाबूजी उसे माफ़ी देने से इनकार कर देते हैं। लेकिन जब उनकी बहू शीतल उसका आशीर्वाद लेती है, तो यहाँ बाबूजी का मन जो है वो डोल जाता है, और वो कुछ दिन के लिए बंटी और उसकी वाइफ शीतल को उनके घर में रहने की परमिशन दे देते हैं। सीरीज़ प्राइम प्रेम वालों की है, तो सीन आपको देखने को मिल ही जाएंगे। सीरीज़ की बाकी स्टोरी तो सीज़न 1 और 2 देखने वाले को पता लग ही गई होगी। सीज़न 3 में नई बहू की एंट्री हुई है, मीन्स एक्ट्रेस नई है। इस सीज़न 3 के पार्ट 1 में तो बाबूजी की एक इच्छा अधूरी रह गई है, और वो कौन सी इच्छा है इसको पता लगाने के लिए आपको सीरीज़ देखनी पड़ेगी प्राइम प्ले के प्लेटफॉर्म पे जाके। पार्ट 2 जो कि नेक्स्ट वीकेंड रिलीज़ होगा, उसे भी देखने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। साथ ही सब्सक्राइब इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि और वेब सीरीज़ की अपडेट्स और रिव्यू का भी आपको हमारे चैनल पे जल्द से जल्द पता चल जाता है।